नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। शाड़ोरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अशोकनगर पुलिस सजग है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल के मार्गदर्शन, SDOP चतुर्वेदी के नेतृत्व में शाड़ोरा पुलिस द्वारा नवदुर्गा महोत्सव व अन्य त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए महिला पुलिस कर्मियों का एक दल शक्ति स्क्वाड बनाया गया है, जिसे नवरात्रि के पहले दिन थाना प्रभारी DSP राजा राम धाकड़ द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों को एडवोकेट कुमारी रेखा नामदेव पत्रकार द्वारा माला पहनाकर सम्मान कर मुंह मीठा कराकर उत्साहवर्धन कर शक्ति स्क्वाड रवाना किया गया। इसमें 4 महिला पुलिस कर्मियों का एक दल है, जो नवरात्रि महोत्सव के दौरान कस्बा शाड़ोरा में सक्रियता से निरंतर भ्रमण करता रहेगा, जिससे विशेषकर महिला सुरक्षा सुरक्षित की जा सकेगी एवं सभी झांकियों पर नगर रक्षा समिति के सदस्यों को भी तैनात किया गया है। आपका पहला प्रयास है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, पूरे अशोकनगर पुलिस में हमारे SP सर श्री रघुवंश भदौरिया सर, एडिशनल SP श्री प्रदीप पटेल सर और SDP सर श्री संजीव चतुर्वेदी सर की शुरू से ही महिला सुरक्षा के प्रति बहुत विशेषता, बहुत उनका फोकस रहता है। तो इसी तारतम्य में थाना शाड़ोरा द्वारा एक नवाचारी पहल की गई है, जिसमें हमने एक ऑल वुमन पुलिस कर्मियों का एक स्टाफ बनाया है, जिसे हमने शक्ति स्क्वाड का नाम दिया है। यह स्क्वाड, इसमें 4 महिला पुलिसकर्मी रहेंगे हमारे थाना शाड़ोरा के, जिस जो रात्रि में जो अपना नव दुर्गा के दौरान जो आरती का समय होता है उसके बाद भी और सुबह भी निरंतर सक्रियता से शहर में भ्रमण करते हुए महिला सुरक्षा के प्रति, बच्चियों जब निकलती है तो उनकी उनकी सुरक्षा के प्रति पूरा कार्य करेंगे पूरे त्यौहारों के दौरान। तो ये अभी इन त्योहारों के लिए रहेगा कि ये 12 माह के लिए रहेगा? ऐसा एक नवाचारी पहल है, इसको प्रथम दृष्टया अभी हमने इसको नवदुर्गा महोत्सव के लिए किया है, पर इसकी सफलता के बाद इसको पुनः जारी रखा जाएगा। जी, जो आज महिलाओं कर रहा था आप निकाल रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण नगर की, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पूरे कस्बे में जो कि त्यौहार है तो महिलाओं का आना जाना रहेगा, महिलाएं पूजन में सम्मिलित होंगी, उसके बाद भी भजन संध्या में सम्मिलित रहेंगी, तो वो निडरता के साथ अपने झांकियों में आ सकें और इसलिए एक सुरक्षा का वातावरण बना रहे, इसके लिए हमने नवाचारी पहल की। ये निर्देश संपूर्ण मध्य प्रदेश से आए होंगे आपके लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है या फिर अपने ही जिले में या फिर अपने ही नगर में? अपने ही जिले में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व और मार्गदर्शन में थाना शाड़ोरा की एक नवाचारी पहल है ये। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खबर समय जगत के लिए पुष्पराज यादव के साथ ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.